Hello guys, welcome back to our channel The Tourer Family. नया दिन नई शुरुआत. अब हम निकल चुके हैं अहमदाबाद से उदयपुर की तरफ और उदयपुर में हम लोग स्टे करेंगे आज और हम वहां घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे. हमारी जर्नी अब बहुत अच्छी जा रही है. कल हम लोगों ने यहां पर साबरमती रिवर फ्रंट देखा, गार्डन देखा, लॉ गार्डन गए. उसके अलावा फिर हम लोग थोड़ा सा मानिक चौक, यहाँ की फूड स्ट्रीट जो है बहुत ही फेमस है, वहाँ गए थे. मगर जल्दी आ गए थे वहाँ से क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा थी. तो हम लोग अब निकलते हैं उदयपुर के लिए. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. तो चलिए चलते हैं. हम जा रहे हैं एक अंदर गांव के सी रोड से. फॉरेस्ट एरिया है ये, अच्छा रोड है, मेन हाईवे से हटकर है. थोड़ा सा फास्ट था इसलिए हम इस पर आ गए. और देखिए क्या शानदार नज़ारा आ रहा है. दोनों तरफ पेड़, हल्के छोटे छोटे से हिल्स हैं तो अच्छा लग रहा है. ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है इधर और व्यू बहुत शानदार आ रहा है. व्यू देखिए, रोड भी बहुत अच्छी है इधर. लेन टू लेन है मगर इसमें अच्छा है, रोड अच्छा है. और दूसरा जो इसका लैंडस्केप है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, बड़ा अच्छा लग रहा है. ये पहुंच गए उदयपुर सिटी. और ये देखिए उदयपुर का गेट हमारा स्वागत कर रहा है. और ये है चेतक चौराया. और ये हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने होटल जहां हम लोग स्टे करेंगे. और ये दोनों के लिए सरप्राइज था, अभी तक नहीं बताया है मैंने. यहां पे आकर ही हमारा जब चेकिंग वगैरह हो रहा है तो तब पता चला है कि कौन से होटल में हम लोग स्टे करने वाले हैं. और ये दोनों के लिए सरप्राइज था. ये तो अब चलिए चलते हैं होटल के अंदर. बहुत ही शानदार है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में. बहुत अच्छा है. और ये है उदयपुर रेडिसन ब्लू. चेकिंग कर लिया है. यहाँ से एंट्री है, ये बाथरूम है, बहुत शानदार है बाथरूम. देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं. अगर कोई हमको देख रहा है तो हम ऐसे दिन 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 दिन. और ये है
That's good. अरे भैया, तो यहाँ से लाइट जलती है और ये आपको टी कॉफी जो भी आपको पीना है, वॉल्स पेंटिंग पेंटिंग लगेज, आप अपना लगेज रख सकते हैं अंदर भी बाहर भी जहाँ आपको, और ये है बैग। देखिए, और यहाँ से आप इसको ऊपर करेंगे तो आप बाथरूम को का नजारा भी यहीं से देख सकते हैं। ये वॉल वाओ, पेंटिंग भी अच्छी है। और ये आप आराम से यहाँ बैठिए, देखिए देखिए, यश का आराम कर रही है यहाँ बैठ के। और ये है यहाँ का एक और मिरर, टीवी सभी और एक व्यू देखिए। और ये है हमारा 3, 2, 1, go! यहाँ से आपको लेक दिखेगी, व्यू जो है बहुत शानदार है, यहाँ से आपको लेक दिखेगी, लेक और देखिए वैलीज माउंटेन्स। यश के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और अब हम निकल चुके हैं लेक पिचोला के लिए। लेक पिचोला की तरफ जाने वाला रास्ता कितना कंजेस्टेड है कि गाड़ी तो बिल्कुल ही निकल ही नहीं सकती थी, और हमने गाड़ी को कर दिया है पार्क। और पार्क करने के बाद हमने ले लिया है एक ऑटो, ऑटो से हम जा रहे हैं। और ये पतली पतली गलियां, अरे भाई, अरे अरे अरे, सारा शॉर्ट रास्ता यहीं से निकालोगे? एक और ऑटो सामने, एक ऑटो रास्ता देगा, दूसरा ऑटो रास्ता देगा, तब जाके देखो वहां से घूम फिर के यहाँ ला दिया। 2 मिनट भी नहीं लगा। और ये दूसरी गली, ये है वो और गलियों से, और एक और गली यहाँ से है। ये है अमरेली घाट और वो रहा शानदार पेंटिंग बनी हुई है, हर हर महादेव, जय नीलकंठ। जा रहे हैं एक्वेरियम के लिए, हाँ,
एक्वेरियम ये है फतेह सागर लेक के पास। एक्वेरियम में घुसते ही हमको दर्शन होते हैं विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी के। और आज का दिन अब भी एंड होता है। आज काफ़ी टायरिंग रहा, सुबह से निकले थे और फिर यहाँ आए उदयपुर। उदयपुर में हम लोगों ने विज़िट किया पिचोला लेक और सिटी फतेह सागर लेक, और इसके अलावा हम लोग कहाँ गए वो देखा था, ताज पैलेस करके जो होटल है, ताज होटल जो है लेक पैलेस का, वो देखा और वो वीडियो देखा होगा आपने और ड्रोन शॉट्स जो आपने देख ही लिए होंगे। और इसके अलावा हम लोग गए एक्वेरियम, एक्वेरियम में हमने फिशेज देखी लाइक बहुत सारी स्पीशीज की फिश थी। ओके सही था, ज़्यादा अच्छा इतना कोई खास नहीं था टिकट के हिसाब से, कॉस्टली के हिसाब से या उसके हिसाब से इतना ज़्यादा कोई खास नहीं था। इसके अलावा अब लोग हम लोग खाना खाया थोड़ा सा राजस्थानी खाना खा के बाहर से, और अच्छा था खाना, बहुत ही कुछ राजस्थानी स्टाइल में ट्रेडिशनल स्टाइल में खाया, बहुत ही अच्छा लगा। अब लोग हम वापस होटल आ चुके हैं और आज का दिन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।